नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, जब वही हत्यारे बन जाएं और लोगों को मौत के घाट उतारने लगे तो जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। लेकिन ऐसा ही हुआ है और पुलिस हत्यारी बन गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में पुलिस ने चेकिंग के नाम पर एक व्यापारी की पीट पीट कर हत्या कर दी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, खून से लथपथ। उत्तर प्रदेश में जब खाकी ही हत्यारी हो जाए तो सुरक्षा कौन करेगा। हम तुम और सब इसी खाकी के बल पर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन कुछ खाकीदारियों ने वो काम किया है कि अब खाकी को देखकर ही डर लगता है। सुनिए 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 ये मुनादी सुनिए। यूपी पुलिस हत्यारी हो गई है। कभी रात के अंधेरे में युवक को गोली मार देती है तो कभी पूछताछ के नाम पर पीट पीट कर हत्या कर देती है। जिन चेहरों को देखकर जनता को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, उन चेहरों को देखकर जनता के दिल में दहशत पैदा हो जाती है। ये सब होते हुए भी सूबे का मुखिया चुप है और उसकी रियाया खाकी के सितम से करहा रही है। ना नजरों को फेरिए, ना पुतलियों को घुमाइए। देखिए गोरखपुर की हत्यारी पुलिस की करतूत, जिसने चेकिंग और पूछताछ के नाम पर व्यापारी की हत्या कर दी। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। दरअसल कानपुर से अपने दो दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने पहुंचे थे मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ कृष्णा पैलेस में ठहरे हुए थे, जहां चेकिंग के लिए गई पुलिस से उनकी कुछ कहा सुनी हुई और बावर्दी पुलिस आग बबूला हो गई। मौके पर ही पुलिस कर्मियों ने अपने आला अधिकारियों के सामने मनीष को जमकर पीटा और पीटते ही गए। खून से लथपथ मनीष को पुलिस कर्मी घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। लेकिन ये सिर्फ कानपुर के रहने वाले एक व्यापारी की हत्या नहीं हुई, बल्कि मानवता के टीले पर बैठे मित्र पुलिस का ढोंग रचने वाली यूपी पुलिस का वहशी चेहरा सबके सामने आ गया है। देखें सूबे के मुखिया और देखें लोकतंत्र के मायने पूछने वाले लोग, जो पुलिस की एक मानवता वाली तस्वीर पर लोट लोट कर बधाई संदेश देते हैं कि सोचें कि समाज की सुरक्षा का जिम्मा लेकर हमारे आपके बीच घूम रही यूपी की हत्यारी पुलिस से सुधरने की कभी उम्मीद की जा सकती है क्या। फिलहाल इस हत्या ने पुलिस की साख पर जो धब्बा लगाया है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। हत्या के आरोपियों पर सिर्फ निलंबन की कार्रवाई करके जो संदेश देने की कोशिश की गई वो नाकाफी है। अगर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना है तो सरकार इन सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित को न्याय दिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम। और इसी के साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।